नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्मदिवस है। तो चलते हैं दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं विकास लाइफ केयर लिमिटेड पे इस वीडियो में। तो जैसा कि अभी के समय में विकास लाइफ केयर का शेयर प्राइस में काफ़ी अप एंड डाउन मूवमेंट देखने को मिल रहा है, कारण कि इसमें प्रमोटर का होल्डिंग भी कम हुआ है और जो रिजल्ट शो हुआ है वो प्रॉफिट में शो हुआ है। रिजल्ट प्रॉफिट में शो होने के कारण ही बुक वैल्यू 3 रुपया 19 पैसा हो चुका है, जबकि 2 रुपया कुछ पैसे पे चल रहा था इसका बुक वैल्यू, जबकि करेंट प्राइस 4 रुपया 48 पैसा जो कि डाउन होकर के ही आया था, पिछले ट्रेडिंग डे में थोड़ा सा अप हुआ है, और ROC और ROE काफ़ी कम है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीनर के वेबसाइट पर दिख रहा होगा क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 2024 का, तो यहाँ पर जो है सेल्स 134 करोड़ 88 लाख का है, एक्सपेंस 136 करोड़ 21 लाख का, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में आ गया 1 करोड़ 33 लाख का, और ये अदर इनकम 3 करोड़ 35 लाख का हुआ, और इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन 2 करोड़ 88 लाख का, जिसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 86 लाख का है, बट टैक्स जो है माइनस में है, तो माइनस 348.84% का, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट 2 करोड़ 15 लाख का और EPS 1 पैसा यहाँ पर शो हो रहा है। देख सकते हैं बैलेंस शीट में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सितंबर 2024 186 करोड़ का इक्विटी कैपिटल हो चुका है और रिजर्व 357 करोड़ का हो चुका है और ब्रोइंग 61 करोड़ का, ब्रोइंग में भी वृद्धि देखने को मिल रही है और रिजर्व में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, और इन्वेस्टमेंट में तो कमी आई है, लेकिन अदर एसेट देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 534 करोड़ का हो चुका है, जबकि एक टाइम में 316 करोड़ का था। एक और इसमें डीमेरिट क्या है, तो यही प्रमोटर का होल्डिंग का कम होना, क्योंकि जून 2024 में 14.21% का था, वहीं पे सितंबर 2024 में 11.38% का रह गया है। बाकी इस स्टॉक का शेयर प्राइस NSEIndia.com पे 4.51 रुपया शो हो रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बाई और सेल का भी चल रहा है, यानी कि ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी। बाकी लास्ट में सारांश के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा इस स्टॉक के लिए कि ये स्टॉक तो अच्छा है, फ्यूचर में ये पैसा काफ़ी अच्छा बना करके दे सकती है, मगर अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली स्टॉक बन सकती है, क्योंकि इसमें कभी प्रमोटर का होल्डिंग कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो ये अपनी संघर्षमय लाइफ से गुजर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।